हेलो दोस्तों, फ्री एमपी स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं के गणित विषय से संबंधित काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। ये जो प्रश्न है आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जाते हैं, और यह जो प्रश्न है आपकी जो अभी होने वाली परीक्षा है अर्धवार्षिक की, उसमें आ भी सकते हैं। तो इनके लिए आपको ध्यान से याद करके और इनका जो सॉल्यूशन है उनको सॉल्व करके जाना है, ठीक है? तो इस प्रकार से यहाँ पर मैं जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ठीक है? और अगर आप दोस्तों को शेयर कर देते हैं तो उनकी भी हेल्प हो जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न दिया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें आपका पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। यदि ए बराबर 200, मतलब एक मैट्रिक्स दी गई है, ठीक है, हो तो ए फाइव बराबर होगा। तो यहाँ पर ए फाइव क्या होगा वो बताना है। एक के ऊपर 5 की पावर लगी है, ये आपको निकाल लाना चाहिए कि उसका मतलब क्या होता है, किसके इक्वल टू होगा, ठीक है? तो अगर हम इसके ऊपर 5 की पावर लगा देते हैं तो क्या होता है, हर एक जो एलिमेंट है, देखिए जैसे यहाँ पर जो 2 है वो एक एलिमेंट है, 0 एक एलिमेंट है, तो इनके ऊपर क्या करेंगे, अभी आपके ऊपर हम 5 की घात लगा देते हैं, और जो उसका रिजल्ट आता है वो किसके इक्वल होगा वो आपको बताना है। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, जिसके इक्वल आएगा वो उसका आंसर होगा, ठीक है? फिर आपका अगला प्रश्न है, दूसरा ऑब्जेक्ट दिया गया है। तो मैं यहाँ पर एक पैटर्न बता रहा हूँ कि इस प्रकार से प्रश्न आते हैं, तो उनके लिए आपको क्या करना, तैयार करना इस प्रकार के प्रश्नों को। प्रश्न बदल कर आ सकती है, ठीक है, लेकिन पैटर्न जो रहेगा सेम रहेगा, मतलब कि इनकी जो सॉल्व विधि होती है वो एक सी रहती है, बस उनकी जो है नंबर बदल जाते हैं। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पर क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ। दूसरा प्रश्न है, यदि ए कोटि को 2 का एक व्युत्क्रमणीय अवयव है, तो डेट ए माइनस ए, जिसे हम ए इनवर्स ए एक पढ़ते हैं, के बराबर है, ठीक है? तो यहाँ किसके बराबर होगा, डेट ए माइनस वन जो है वो किसके बराबर होगा। देखिए तो यहाँ पर जैसे हम देख पा रहे हैं कि जो इनवर्स वन होता है वन अपॉन होता है, ठीक है, मतलब 1/2 वो संख्या होती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा बी नंबर का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। डेट ए इनवर्स का मतलब कि जो है वो 1/2 में है, डेट ए 1/2 में है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, लॉग साइन एक्स एक्स के सापेक्ष अवकलन होगा। तो यहाँ पर आपके लिए क्या करना है, इसका जो अवकलन होता है वो निकाल लाना चाहिए, हर एक जो भी आपके ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस होते हैं उन सभी के। तो यहाँ पर जैसे लॉग साइन एक्स, यहाँ पर कॉस एक्स भी हो सकता है, ठीक है, वन अपॉन साइन एक्स की जगह पर कुछ और भी हो सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि जो प्रश्न है बदल कर आते हैं, ना कि वही आता है, लेकिन जो इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है आपका तीसरा, बता दिया कि लॉग साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, 4 यहाँ पर दिए गए हैं आपके लिए ऑब्जेक्ट, उनमें से बताना है कौन सा सही है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो प्रश्न क्रमांक 4 है, यदि ए बराबर 1, 2, 3 का एक मान लो समूह है, तो वह अभी अब 1, 2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या है। तो यहाँ पर इनमें जो तुल्यता संबंध है वो निकालना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपके 4 फिर से विकल्प दिए गए हैं, जो सही हो वो आपके लिए लगा लेना है, ठीक है? यहाँ पर क्या है, 4 आपके लिए विकल्प दिखाए जा रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 5 है, यदि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर 0 हो, तो थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर आपका क्या होता है, पाई बाई टू, मतलब ये हो जाएगा 90, तो ये 90 होता है, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पाई बाई टू। तो इस प्रकार से आपके जो प्रश्न है इनकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर 0 थीटा हो तो उस थीटा का मान क्या होता है, ये आपके लिए आना चाहिए। इस प्रकार के और भी फॉर्मूले होते हैं, तो सभी फॉर्मूलों को याद करना, जितने आपके समाकलन अवकलन से संबंधित जितने आपके सूत्र बनते हैं उन सभी को याद करके जाएंगे, क्योंकि सही जोड़ियां जो हैं वो सूत्र पर ही आधारित होती हैं, मैक्सिमम टाइम सूत्र ही आते हैं, तो बस इनके लिए जरूर तैयार कर लेना है, क्योंकि आपके 5 नंबर तो सही जोड़ियों में ही आपके मिल जाते हैं, ठीक है? फिर यहाँ पर देख पा रहे होंगे जैसे कि आपका ये पेपर है, तो इसमें ऑब्जेक्टिव हो चुके हैं। दूसरे नंबर में आते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यहाँ पर रिक्त स्थान भरने हैं। तो यहाँ पर पहला आपका जो दिया है प्रश्न, यदि बाई ए ई पावर एक्स कॉस एक्स हो, तो dy/dx का मान है। तो आपके लिए क्या है, dy/dx मतलब अवकलन ज्ञात करना है, किसका ज्ञात करना है, ई एक्स कॉस एक्स का। तो यहाँ पर आप बाई के सापेक्ष में जो है इनका अवकलन ज्ञात करेंगे, और वो यहाँ पर लिख देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रथम चतुर्थांश से प्रत्यक्ष वर्ग प्लस वाई वर्ग बराबर 4 एवं रेखा एक्स बराबर 0 वाई बराबर 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर आपके लिए जो मतलब दो रेखाएं दी गई हैं, इनसे जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है, ठीक है, वो बताना है आपको। तो इनसे घिरे हुए क्षेत्रफल निकालना आना चाहिए। तो क्या करेंगे आप, क्षेत्रफल निकालने के लिए
जो एक्स की वैल्यू है वो यहाँ पर पुट कर देंगे और जो टू की वैल्यू है वो यहाँ पर वाई में पुट कर देंगे। ठीक है, वाई बराबर टू लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये वाई बराबर टू लिखा हुआ है, यहाँ पर रख देते हैं तो ये दो दूनी चार हो जाता है, और चार और चार क्या हो जाएंगे आपस में, माइनस होता है तो जीरो बचता है और एक्स के ऊपर पावर रहेगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो भी इसका निकल के आता है वो आपके लिए रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं, आपको लमसमीकरण दिया है डी वाई बटा डी एक्स प्लस बाई टेन एक्स इक्वल टू सेक एक्स, ठीक है, का गुणांक क्या है। तो यहाँ समाकलन गुणांक ज्ञात करना है, वो आना चाहिए कि कैसे हम समाकलन गुणांक निकालते हैं, प्रश्न बदल कर आ सकते हैं, बस आपके लिए किस किस प्रकार के आते हैं ये बता रहे हैं, तो यहाँ पर इनके लिए सॉल्व करना आना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर यदि पी एफ 3/4 और पी ई इंटरसेक्शन एफ जिसे हम क्या कहते हैं संघ कहते हैं बराबर 1/6 हो, तो पी ई बटे एफ क्या होगा वो आपके लिए बताना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इंटरसेक्शन के लिए दोनों का कॉमन लेंगे और उसको दो भिन्नों को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न आप करके देख लेंगे, ठीक है, तो बन जाएगा। एक निश्चित क्रम में विशिष्ट चरणों में संपत्ति प्रक्रिया कहलाती है, तो क्या कहलाती है वो बतानी है, अवकलन या समाकलन इनमें से दो में से। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, हमारे सदिश 3i-2j+6 के दिक्कोजियाँ हैं, तो दिक्कोजियाँ निकालना आना चाहिए। ठीक है, दिक्कोजियाँ कैसे निकालते हैं वो आपके लिए देख लेना है। प्रश्न की संख्या बदल सकती है, प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है अब फिर, ठीक है। और फिर यदि ए कोटि 3/3 का व्यू है तो ये ए का सारणिक में सही खंडों की संख्या खाली स्थान होगी, ये भी बताना है। इस प्रकार से यहाँ पर ये हो जाती है, मैंने बोला था सही जोड़ियों में क्या आती है, सूत्र आते हैं, तो सूत्रों के ऊपर ही यहाँ पर आधारित होती है सभी सही जोड़ियाँ। देख पा रहे होंगे आपकी यहाँ पर ये पूरी सूत्र के आधार पर सही जोड़ियाँ दी गई हैं, किसका किससे मैच होता है ये आपके लिए देख लेना है। तो आपके लिए इनके जो समीकरण हैं आदि ये सूत्र हैं, तो आपके लिए इनसे जल्दी से मिलाते बन जाएगा और आप सही से कर पाएंगे। जैसे कि ई करणी एक्स, ठीक है, डी एक्स का जो है अवकलन क्या होता है तो वो यहाँ पर देख लेना है आपके लिए। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर इस समाकलन पूछा गया है, तो साइन इनवर्स एक्स डी एक्स का क्या होता है ये भी बताना है, तो लॉग साइन एक्स प्लस सी जो भी होता हो, ठीक है, इनमें से देख लेना है कौन सा सही होगा, तो ये यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है 4 नंबर में, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देने हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे भी प्रश्न लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है वक्र बाई बराबर एक्स घन के बिंदु 1 1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो स्पर्श रेखा कैसे निकालते हैं उसका समीकरण आपको होना चाहिए ज्ञात, यहाँ पर दो बिंदु भी दिए गए हैं, बिंदु के आधार पर निकालना है। पर कॉस इनवर्स -1/2 प्लस 2 sin इनवर्स एक्स 1/2 का मान लिखिए, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच के जो मान है वो लिख करके इन दोनों को सॉल्व करना है, जो आएगा वो क्या हो जाएगा आपका इसका मान हो जाएगा। फिर माना कि a बराबर ABCD तथा a एक फंक्शन है a2a, f बराबर एक यहाँ पर समूह दिया गया है, इसे दिया गया f इनवर्स ज्ञात करना है, यहाँ पर f इनवर्स ज्ञात करना है। ठीक है, फिर यहाँ पर इसी प्रकार से और ही प्रश्न है, जैसे बिंदु दिया गया है ABC, 3 बिंदु दिए गए हैं, x अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए, x अक्ष से और y अक्ष से दूरी ज्ञात करना आना चाहिए बिंदु के आधार पर। ठीक है, और यहाँ बाकी का प्रश्न लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है 4 नंबर में, dx/e(x+e-x) का मान ज्ञात कीजिए, तो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्यूशन करना आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए सभी प्रश्न लिखे हुए हैं, तो ये एक शब्द एक वाक्य में उत्तर थे। इसके बाद प्रश्न आता है यहाँ से 5, देखिए ये हो जाएगा आपका प्रश्न 5, ये यहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये क्या इसका मान ज्ञात करना है आपके लिए, इनका मान ज्ञात करना आना चाहिए, मतलब समाकलन करने के पूछा गया है। फिर यहाँ पर है कि दो समूह दिए गए हैं ए और बी का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम समूह ए के एलिमेंट जो हैं, ठीक है, ये इतने रहे, और ये समूह बी के हैं, दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, जो भी मतलब आपका नया जो अवयव बनेगा, मतलब कि यहाँ पर समुच्चय बनेगा, मैट्रिक्स बनेगी अवयव, तो वो उसका आंसर होगा a×b कहलाएगा। फिर है 7वां प्रश्न, सदिश एक सदिश दिया गया है, इसका क्या करना है, अनिर्देशक मात्रा ज्ञात करना है, तो यहाँ पर इसके लिए आपको कैसे ज्ञात करते हैं ये करना आना चाहिए। फिर है 8वां प्रश्न, फलन sin 10 इनवर्स x/(1+x)² का एक्स के सापेक्ष समाकलन कीजिए, तो इसके लिए भी सॉल्व करना आना चाहिए कि यहाँ पर आप टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे फिर जो होता है, और उसके हिसाब से यहाँ पर सॉल्व कर देंगे, एक्स के सापेक्ष इसका समाकलन कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर फिर से आपके प्रश्न दिए गए हैं, 9वां प्रश्न है, दो समतलों के बीच का कोण ज्ञात, मतलब कोण सदिश विधि से ज्ञात करना है, तो ये इस प्रकार का प्रश्न तैयार करेंगे, ये जो है संख्या बदल सकती है, मतलब जो आपके लिए यहाँ पर ये मान दिखाया जा रहा है ना ये बदल कर आ सकते हैं। प्रश्न ऐसे ही आती है कि मतलब कि दो कोणों के बीच की सदिश विधि से ज्ञात करना है दो समतलों के बीच का कोण, ठीक है, ये होता है। प्रश्न दस है, दर्शाइए कि रेखाएं, मतलब एक रेखा दी गई है ये वाली जो सामने आपकी दिखाई जा रही है, एक ये रेखा है तथा एक दूसरी ये रेखा है, समतलीय है या नहीं, ये आपके लिए दर्शाना है, तो ये किस प्रकार से दर्शाते हैं इसकी आप विधि समझ लेंगे। ठीक है,
फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपके लिए देखिए उनके सॉल्यूशन दिए गए हैं। तो यहाँ पर ये सॉल्यूशन देख लेंगे आप कि किस प्रश्न का कैसे किया गया है। देखिए ये साइन इनवर्स एक्स का दिया गया है, ठीक है, इतना आप इसका देख लेंगे। और ये दो सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करने का यहाँ पर सॉल्यूशन दिया गया है कि कैसे करते हैं, ये वो प्रश्न था और ये यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर सदिश दिया गया है, उसके अनुदिश मात्रा ज्ञात करनी है, कैसे करते हैं ये हो जाएंगे, इसके अनुदेश मात्रा सदिश ज्ञात करना, ठीक है। ये देखिए इतना इसका सॉल्यूशन पार्ट होता है, ये यहाँ पर निकल के आता है उत्तर में, ठीक है, इतना। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपके लिए वो जो आपके दो आव्यूह थे उनका गुणनखंड करना था तो वो बता दिया, और यहाँ पर ये इनका समाकलन था, तो यहाँ इतना समाकलन निकला, ये दो आव्यूह का गुणनखंड था, ए इंटू बी वाला, जैसे आप पार्ट में देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ पैटर्न अवेलेबल कराए जिससे कि आपको सहायता हो सके, पता चले कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं आपकी परीक्षा में। इस प्रकार के प्रश्नों को तैयार रखना है, ठीक है, ये पूछे जाते हैं आपसे, बार बार आ सकते हैं, मतलब पैटर्न तो सेम ही आता है और आपके प्रश्न जो है वो बदलते रहते हैं, तो इनके लिए तैयार रहना। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और जो डिस्क्रिप्शन में उस चैनल की लिंक दी गई है उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं क्योंकि उससे उनकी भी हेल्प हो जाती है। एंड थैंक यू वॉचिंग के लिए।